इस क्षेत्र के सभी निवासी ध्यान दें। हाजी इकबाल पुत्र मोहम्मद उमर एवं अन्य तीन नफर जो संगठित रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे, हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में हाजी इकबाल एवं इसके तीन पुत्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में यह प्रकाश में आया कि पटेल नगर स्थित मकान संख्या 30A और मकान संख्या 29 जिसके सामने हम आज यहां खड़े हैं, यह संपत्ति हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश से जब्तीकरण किया गया है। इस संपत्ति का क्रय एवं विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हाजी इकबाल और इसके तीन पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पर मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। सर, कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोग बाकी? कार्रवाई तो पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे लोगों पर हुई है और अभी गैंगस्टर एक्ट के कई सारे मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं जिनमें लगातार हम विवेचना जारी है और जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और उन पर भी अतिशीघ्र ऐसी कार्रवाई की जाएगी।